नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। जनपद बहराइच के समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक राम तेज यादव ने कहा कि हथरस मामले में योगी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को नाकाम बताते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के यही हाल रहा तो बेटियों के डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इससे बीजेपी के नारा ध्वस्त और नाकाम दिख रही है और हर जगह लूटमार अत्याचार बलात्कारी की शिकायत पाई जा रही है जो उत्तर प्रदेश की सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। खास रिपोर्ट साहिद शाह के साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं बहराइच जनपद में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक श्री राम तेज यादव जी के आवास में। अभी हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हमारे हमारे साथ जुड़े हैं वह समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक श्री राम तेज यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि हाथरस का जो कांड हुआ है, लगातार 3 साल से जब से उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनी है और मुख्यमंत्री जी हैं मौजूदा योगी जी, इनके टाइम में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई। आए दिन नाबालिग बालिग बच्चियों से और बूढ़ी औरतों से छेड़छाड़ हो रहा है। सर, अभी तो क्या नाम है, योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ना तो उन्होंने बेटी पढ़ा पाए ना वो तो, और ना बचा ही पाए। जब बेटी बचाएगी नहीं तो डर के मारे कोई स्कूल जाती ही नहीं। ये देखिए, हमारे राम तेज यादव जी कह रहे हैं कि जब बेटी पढ़ेंगी नहीं और बेटी जब क्या नाम है बेटियों के साथ में जब ऐसा दुष्कर्म होगा तो बेटी जब बचेंगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेंगी। सर, क्या हाथरस के अलावा कहीं और भी ऐसी घटना देखने को मिल रही है? ये एक थोड़ा है, रोज तो घटना हो रही है। अभी बलरामपुर में हुई और गोरखपुर में हुई और कानपुर में हुई, बहुत जगह रोज हो रही है। कितने कितने नाम गिना हुआ है, जिससे ये निश्चित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई और इसका लंबा असर दिल्ली की सरकार तक जा रहा है। और अभी सब देखने को मिल रहा है कि जब योगी सरकार की जब भाजपा सरकार में क्या नाम है कुछ पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं थी, कानपुर का मामला देख लीजिए, बहुत सारे लोग मतलब बता रहे हैं और ऐसा मतलब ये घटना हकीकत भी है कि मतलब आर पुलिस वालों के साथ में ऐसा ऐसा किया गया है। ठीक है, तो जब उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सलामत नहीं है तो बेटी और क्या नाम है बेटी कहाँ सलामत रहेंगी, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब मुख्यमंत्री ये कहता कि ठोक दीजिए, तो जब पुलिस को ये अधिकार मिल गया ठोक दो इनकाउंटर कर दो पेड़ से बांध के मार डालो, और सबसे पहले उन्होंने ये काम शुरू किया, सबसे पहले अनुसूचित जात के नौजवान बेटों को और दूसरे लोगों को झूठे मूठ क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया। उसके बाद पिछड़े बैकवर्ड को भी उन्होंने अपने शिकंजे में लिया, उनका इनकाउंटर शुरू करवा दिया। फिर मुसलमान का भी इनकाउंटर हो रहा है। इस समय तो जिले जिले में लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। मकान गिराना, किसी जान लेना अधिकार मौजूदा ना तो प्रधानमंत्री को ना मुख्यमंत्री को है। कोई है क्रिमिनल, कोई मुकदमा करता है या जुर्म जराइम करता है, उसको सीधे न्यायालय भेजना चाहिए, न्यायालय उसमें गवाही सबूत लेगा। सर, इसे आप साबित क्या करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसकी सरकार है, दलित की या क्या नाम है आम गरीब जनता की सरकार है या किसकी सरकार है, आप इसे क्या? ये सरकार तो जो है वो आतंकवादियों की क्रिमिनल्स की सरकार हो गई है और पुलिसिया राज हो गया है और इसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सर, अभी आप कुछ मंझारा चौकली के बारे में बताना चाहते हैं? हाँ, मंझारा चौकली में 1100 रेती बुढ़िया 1, 2, 3, 4 रेती आता बहरामपुर और महसी के कई गांव जो है वो घरों में जिन्हें काट डाले और काट करके इस साल में कर दिया है कि लोगों का घर नहीं रह गया, उनकी फसल नहीं रह गई, बच्चे भूखों मर रहे हैं। लेकिन मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की किसी को कोई पूछने नहीं गई, बात नहीं करने गई। इनकी कम से कम 7 किलोमीटर पक्की सड़क जो है कट गई, उसको अब नहीं बचा पाए। और अब तो कई स्कूल इनके गिर जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे क्या, कहाँ पढ़ेंगे जब स्कूल ही जूनियर हाई स्कूल इंटर हाई स्कूल और जो स्कूल है प्राइमरी पाठशाला सब घाघरा नदी में चले जाएंगे। मैं जाना चौकली में 1100 व्यक्ति में। तो इस तरह से हम लोगों ने तय किया है
कि कल जिलाधिकारी बहराइच को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन दे करके ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा। उनसे ही उम्मीद है कि वो आवश्यक कार्रवाई करके बांध बनवा देंगे आदमपुर ओली बांध से जोड़ करके 1100 व्यक्ति को और मझारा तौकली को और लंबा बांध बांध करके इन लोगों सबको बचा लेंगे, तभी जान बच सकती है। नहीं तो जब इस समय घाघर नदी में पानी कम हो गया तभी कटान जारी है तो आदमी कहाँ चला जाए। ये देखिए, श्री रामतेज यादव से बात करने के बाद पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय हर तरफ से नाकाम हो रही है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो रही है वहाँ वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक सांसद पहुँच करके गरीबों की मदद कर रहे हैं।